अरे बेटा, मैं क्या समझा सकती हूँ? जिस घर के बड़ों की सोच ऐसी है तो छोटों को क्या समझा सकती हूँ? मैं तो जा रही हूँ अपने घर। हाँ हाँ विमला, तू अपने घर जाके बोल। जैसा कि आपने देखा कि बेटी के जन्म पर परिवार में क्या माहौल हुआ, अब देखते हैं कि एक साल बाद क्या होता है। मुबारक हो कमला बहन, बेटा हुआ है बेटा। अरे सच में, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मैं सच में दादी बन गई, मेरे घर पे पोता पैदा हुआ है। क्या हुआ माँ? हमारे घर पे लड़के ने जन्म लिया है, मैं दादी बन गई। अब तो मैं सच में बहुत खुश हूँ। जाके लड्डू लेके आ। ले विमला, मुँह मीठा कर, मैं दादी बन गई हूँ। ले बहू, तू भी मुँह मीठा कर ले, तूने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया धर्म हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ के अंदर, जो सीओ एजुकेशन और जॉइंट डायरेक्टर अरुणा मैडम, साथ में प्रिंसिपल केवल सिंह जी, उन सब ने मिल के ऑर्गेनाइज़ किया था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बैनर तले। और इसमें मैसेज यही दिया गया कि किस तरीके से आपको अपना रुझान जो है बेटियों के प्रति सजग रखना है, ठीक रखना है, उनको बचाना भी है, उनको पढ़ाना भी है। और जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई है इनके वेलफेयर के लिए, उसके प्रति इनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, और ये सारी स्कीम्स का उनको बेनिफिट मिले, उन पेरेंट्स को भी इसके बारे में पता। सर सब चीज़ दूधरा क्षेत्र की बात करें तो इतनी सोसाइटी अवेयर नहीं है, कहीं ना कहीं बेटियों पे सितम हो रहे हैं, तो उनको लेकर से क्या किस तरह अवेयर किया जाएगा? देखिए ये सब सोच बदल के ही सब ठीक हो सकते हैं। मैंने यहाँ अपने बातचीत में भी कहा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में हमारा रुझान इस तरीके से बच्चों के प्रति ठीक नहीं है, बट उसके यही तो ये सारी चीज़ें कार्यक्रम किए जाते हैं उनका रुझान ठीक करने के लिए। एक तरफ हमारा एक नेगेटिव सोच वाला एक समाज है वो चलता है, और दूसरी तरफ पॉजिटिव सोच वाला समाज चलता है। तो पॉजिटिव सोच वाले समाज को हमें किसी भी तरीके से सुदृढ़ करना है, जागरूक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम के जरिए उनके अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी है कि जितना इम्पॉर्टेंट हमारे समाज के अंदर पुरुष है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट।